lateral shift, lateral shift by parallel side glass slab. Lateral shift by parallel side glass slab. आप यदि बात करते हैं एक ग्लास स्लैब के निकलने वाले रेज के शिफ्ट के बारे में, देखिए एक तो मैंने ये आने वाली रेज देखी, और ये देखो जाता हुआ ऐसे जाता यदि ये ग्लास प्लेट नहीं होता। यहां मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लूंगा तो ये रेज अपने रास्ते से हल्के से मुड़ते हुए यहां पहुंची, और फिर ये फिर से एक नॉर्मल बनाऊंगा यहां, और ये रेज फिर यहां डेविएट होके ऐसे चली जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, ये डी है लेटरल शिफ्ट। अब ये लेटरल शिफ्ट को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, और जानकारी में अपने पास स्नेल्स लॉ है, ज्यादा कुछ है नहीं। एयर अगल बगल मान रहे हैं वन, और ग्लास है ये, ये जो स्नेल्स लॉ की मैं चर्चा करूंगा तो सबसे पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि यहां यदि हम लोग आई कह देते थे तो नॉर्मल से जो बनेगा दूसरी तरफ दैट इज आर, और यहां आर तो इधर भी आर, और यहां आर तो यहां आई बनेगा ही बनेगा। इसीलिए इमरजेंट रे और इनिशियल जो रे है ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के, आई आर आर आई, आई आर आर आई। अब हमें लेटरल शिफ्ट चाहिए तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यही डिस्टेंस चाहिए। यहां चेक करिएगा ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है पहला डिफ्रेक्शन जहां हुआ था, वो एंगल देखिएगा ये होगा आई माइनस आर। यहां क्या देखा मैंने, आई माइनस आर। अब आपके सामने जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो पी से क्यू तक का लेंथ हमें पता चल जाए, जो ब्लू कलर वाली रे गई उसका काम अपना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यदि इस ग्लास प्लेट की यहां से यहां तक की थिकनेस टी हो, थिकनेस yes. तो क्या वहां एक और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? तो हम लोग देख सकते हैं कॉस आर इक्वल्स टू पी एन बाई पी क्यू, कॉस आर इक्वल्स टू टी बाई पी क्यू, और पी क्यू हमें पता चल गया टी सेक आर। और अब एक और राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, ये ट्रायंगल कौन सा था, पी एन क्यू। अब यदि ये एंगल खत्म तो दूसरे एंगल पे दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं, ट्रायंगल पी एम क्यू। इनमें चेक करो कॉस या साइन, साइन ठीक है, साइन आर कितना, साइन आर नहीं, साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर कितना, डी बाई टी सेक आर। तो डी का वैल्यू कितना हो गया, हाँ टी sec r sin i माइनस आर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा, एक स्नेल्स लॉ देख लीजिएगा,
स्नेल्स लॉ कैट पी, ये क्या कह देता है, वन इंटू साइन आई म्यू इंटू साइन आर। आप इनको भी लेकर रिप्लेसमेंट का गेम खेल सकते हैं, जी निकल के चला है। तो इसको हम लोग लेटरल शिफ्ट के कैटेगरी में डाल देते हैं। इनको फॉर्मूला बना करके याद भी किया जा सकता है, लेकिन जनरली ज्यादा याद ना मुझे रहता है ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। आपको ये तरीका समझ में आ गया तो काम कर लें, मुझे उम्मीद है। एग्जाम्पल देखिए, आपको बता दिया गया है ये 24 सेंटीमीटर है थिकनेस इस ग्लास प्लेट की थिकनेस, या जिस भी सी मटेरियल का है, और म्यू है रूट थ्री। एक रेज को आते देखो आप, एक रेज को आते देखो, और मुझे ये बताओ ये रेज सीधे तो जाने नहीं वाली, तो यहां से हल्का डेविएशन होगा, और फिर रिफ्रैक्शन होकर के ऐसे जा रही होगी रेज। तो आप जब इसे देख रहे हैं तो यहां तो शिफ्ट हुआ है, ये शिफ्ट बताना है, जबकि यहां जो आप नॉर्मल बना रहे थे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दे दिया गया था 60 डिग्री। आपको ये बताना है कि शिफ्ट कितना हुआ, ये डी लेटरल शिफ्ट कितना हुआ। इस एग्जांपल में ये बताना, फाइंड लेटरल शिफ्ट, फाइंड लेटरल शिफ्ट। बहुत बढ़िया। तो जब ये मुझे सॉल्व करना ही पड़े, ऐसा सिचुएशन आ जाए, तो यहाँ एक 90 डिग्री देंगे और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ एक 90 डिग्री देंगे, ये डिस्टेंस डी, ये पॉइंट पी कह लिया, ये क्यू कह लिया, ये एम कह लिया, ये एन कह लिया, और ये तो है 24 सेंटीमीटर। यहाँ एंगल है आर और ये एंगल है आई माइनस। तो सॉल्व करते वक्त बाय स्नेल्स लॉ, वन इंटू साइन 60 इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर, रूट थ्री बाई टू इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू साइन आर। यहां से आ गया साइन आर इक्वल्स टू 1/2, आर इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहां से पता चल गया ट्रायंगल पी क्यू एन में ये कॉस आर इक्वल्स टू 24/PQ, कॉस 30 इक्वल्स टू 24/PQ। तो पी क्यू हो गया 24 sec 30, sec 30 तो आई थिंक याद आ गया होगा, रूट 3/2, 2/√3, 48/√3, या तो ये कह लो या 16√3। ये पी क्यू हमें मिल गया। अब आते हैं यहां डी, तो साइन आई माइनस आर इक्वल्स टू डी बाई पी क्यू, साइन 60 - 30 इक्वल्स टू डी बाई 16√3, और साइन 30 1/2 हो गया, वो 8√3 हो जाएगा डी। तो लेटरल शिफ्ट आ गया 8√3। ये सब डायग्राम से में भी दिखने लगता है टेंथ में,
लेकिन फॉर्मूला यूज अब इतना नहीं एक्सपेक्ट करते हैं आप बच्चों से कि यार सारा वो यूज करें, लेकिन किया जा सकता है, ऐसा बहुत मुश्किल तो मैं नहीं मानता। तो इस पे कोई बहुत स्ट्रेस 12th में दिया भी नहीं जाता, एक जगह कहीं दिख जाता है और मान लेते हैं कि बच्चे ग्रास्प कर चुके, कोई फॉर्मूला बना के याद कर लो, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा टेंडेंसी हो बच्चों की, ऐसा मैं नहीं देखता। तो आपको भी समझ में आ गया हो तो काम चला, फॉर्मूला कितना याद करोगे, स्नेल्स लॉ याद करना ही है, वो हमने अप्लाई किया, बाकी ट्रिग्नोमेट्री वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके।